फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। एमएस पार्क थाने की टीम ने तीन शातिर लुटेरों को पकड़ा, 24 घंटे के अंदर लूट का केस सुलझा लिया। शहादरा जिला के डीसीपी रोहित मीना ने बताया, 21 दिसंबर को एक जिम ट्रेनर की शिकायत पर पीएस एमएस पार्क में अशोक नगर फाटक के पास से तीन बाइक सवार लुटेरों द्वारा एक मोबाइल फोन लूटने के संबंध में मामला FIR संख्या 432/23 34 IPC दर्ज किया गया था। उसके बाद IOSI विकास भारद्वाज, SI कुलदीप, हेड कांस्टेबल दीपक और कांस्टेबल अंकित की एक टीम को मामले को सुलझाने और अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया। जांच के दौरान शिकायतकर्ता श्री हिमांशु ने टीम को बताया कि उन्हें अपराधियों द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल DF5SDH9056 का नंबर याद है। इस सूचना पर टीम ने ईवी बुक ऐप की सहायता से पंजीकृत वाहन मालिक का नाम व पता प्राप्त किया तो मोटरसाइकिल राकेश पुत्र रूपचंद निवासी की 726 अशोक नगर के नाम पर पंजीकृत पाई गई। इस पर टीम तुरंत बताए गए पते पर पहुंची और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि राकेश पुत्र रूपचंद कुछ सांझ पहले अशोक नगर में किसी अज्ञात स्थान पर रहने लगा था। इस बीच जब टीम ने स्थानीय मुखबिरों से उक्त राकेश के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि राकेश अब भी 139 गली नंबर 1 में रह रहा है। अशोक नगर दिल्ली। इस पर टीम ने तुरंत इस पते पर छापेमारी की तो तीनों अपराधी उस पते पर एक कमरे में बैठे थे। उनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त हीरो पैशन प्रो बाइक पंजीकरण संख्या DL5SDH9056 बरामद की गई। आगे की जांच के दौरान उनकी निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। तदनुसार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से बरामद किया गया सामान एक मोबाइल फोन, अपराध कार्य करने में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल। आरोपियों के नाम, एक अमन टिटोरिया पुत्र राकेश कुमार निवासी DA 139 गली नंबर 3 अशोक नगर शाहदरा दिल्ली उम्र 24 साल, वह पहले भी एक मामले में शामिल रहे हैं। दो नरेंद्र पुत्र परमानंद निवासी DA 348 गली नंबर 14 अशोक नगर शाहदरा दिल्ली उम्र 22